दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो जसप्रीत बुमराह ना सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया के सबसे मशहूर गेंदबाजों में से एक हैं। आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड भी जसप्रीत बुमराह के नाम ही दर्ज था। लेकिन दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ये गेंदबाज जिसने जसप्रीत बुमराह का भी रिकॉर्ड तोड़ने का एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। जी हां, चलिए बताते हैं आपको वो कौन सा गेंदबाज है जिसने आईपीएल 2021 में हड़कंप मचा दिया। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में कौन है बेहतरीन तेज गेंदबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला गया मुकाबला, जिसमें टॉस जीतकर बेंगलुरु की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में हैदराबाद की टीम की बल्लेबाजी काफी हद तक अच्छी रही, लेकिन अंत में जब गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल तो उन्होंने इस मुकाबले का पूरा रुख ही पलट दिया। हर्षल पटेल ने अपनी गेंदबाजी के जाल में पहले केन विलियमसन को फंसाया और उन्हें 31 रन के स्कोर पर बोल्ड मारकर अपना पहला विकेट हासिल किया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद हर्षल पटेल ने ऋद्धिमान साहा जैसे खतरनाक बल्लेबाज को भी एबी डिविलियर्स के हाथों कैच आउट करा दिया और अंत में जेसन होल्डर, जो कि बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, उन्हें भी डैन क्रिश्चियन के हाथों कैच आउट कराकर इस मुकाबले में 3 विकेट हासिल कर लिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर मुकाबले की तरह हर्षल पटेल ने इस मुकाबले में भी शानदार गेंदबाजी करके करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसे महान गेंदबाज तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जसप्रीत बुमराह के नाम 15 मुकाबलों में 27 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज था, जो तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आता था। लेकिन हर्षल पटेल के लिए आईपीएल 2021 का ये साल काफी ज्यादा शानदार रहा। उन्होंने अपनी धीमी गति की गेंदबाजी में बड़े से बड़े दिग्गजों को फंसाया और सिर्फ 13 मुकाबलों में से उन्होंने 29 विकेट लेने का कारनामा कर दिया, जिसको देखने के बाद तो जसप्रीत बुमराह तक के होश उड़ गए। आपको बता दें कि भारतीय टीम के सबसे बड़े दिग्गज खुद को हर्षल पटेल की गेंदबाजी की सराहना करने से नहीं रोक पाए। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हर्षल पटेल की गेंदबाजी का डंका बज चुका है। कई लोगों का तो मानना है कि बीसीसीआई को रातों रात ये फैसला लेना चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में तेज गेंदबाज का होना काफी अहमियत रखता है, क्योंकि अंतिम ओवरों में गति में परिवर्तन की कला हर्षल पटेल के पास बखूबी है। और जबकि जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज को भी इस गेंदबाज ने छोटा साबित कर दिया, तो ये भारतीय टीम के लिए बहुत कुछ कर सकता है। वैसे ये कहना गलत नहीं है कि पिछले कुछ सालों में हर्षल पटेल ने अपनी गेंदबाजी में काफी तब्दीलियां करी हैं। शुरुआत में वो इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने हुनर को ही निखारा है, वो तो आज लोगों के सामने मिसाल बन चुका है। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने भी हर्षल पटेल की जमकर तारीफ की है, क्योंकि अभी तक इस टूर्नामेंट में बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में और खेलना है और यकीनन इस मुकाबले में भी विकेट लेकर हर्षल पटेल 30 से ज्यादा विकेट लेने का कारनामा कर सकते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से हर्षल पटेल ने जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ा है, आप सभी को क्या लगता है कि क्या इस गेंदबाज को भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।